यूट्यूबरों को गांव कहा जाता है, जो छत्तीसगढ़ में रायपुर से यहां से 45 किलोमीटर दूरी है, जहां पर छत्तीसगढ़ में ये गांव बहुत ही अभी ट्रेंड में चल रहा है, जो कि यहां पर हजारों में यूट्यूबर्स हैं। दिखाइए इनको स्टूडियो को जो कैसा बनाया है, जो हर एक यूट्यूबर यहां पर आते हैं। यहां गाँव के स्टूडियो है और गाँव के जो सरपंच है और बहुत सारे यहाँ पर यूट्यूबर हैं। है वो यूट्यूबर विलेज है जी जी, बहुत सारे। इसी को देखते हुए CSR फंड के तहत ये हमें स्टूडियो मिला है जी जी। चलिए आज आप लोगों को मिलाते हैं यूट्यूबरों का गांव कहने जाने वाला, जो आपने देखा होगा कभी कई बड़ी वीडियो में, आज आप लोगों को मिलाने जा रहे हैं। दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल सीजी टेक्निकल में। दोस्तों आज हम आ चुके हैं जो यहाँ पर यूट्यूबरों को गांव कहा जाता है, जो छत्तीसगढ़ में रायपुर से यहाँ से 45 किलोमीटर दूरी है, जहाँ पर छत्तीसगढ़ में ये गांव बहुत ही अभी ट्रेंड में चल रहा है, जो कि यहाँ पर हजारों में यूट्यूबर्स हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर हम आ चुके हैं, जो स्टार्टिंग में ही यहाँ पर हमर फ्लिक्स यहाँ पर स्टूडियो बना हुआ है, जो यूट्यूबर के लिए बनाया गया है। ये यूट्यूबर के जहाँ हम लोग यहाँ पर स्टूडियो के सामने में गेट में हैं, जो कि आप लोगों को बताने वाले हैं कि ये स्टूडियो में अभी के फिलहाल जो पूरे डिटेल में है आप लोगों को बताएंगे अंदर जाके, जो कि यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ में यहाँ से 45 किलोमीटर रायपुर से 45 किलोमीटर दूरी में है जो स्टूडियो है, इसमें क्या खासियत है और स्टूडियो प्रॉपर किस लिए बनाया गया है, ये यूट्यूबर के लिए बनाया गया है या किसके लिए बनाया गया है, आज पूरा डिटेल में आप लोगों को बताएंगे। वीडियो में यहाँ से ध्यान से बने रहिए और पूरे डिटेल में जानकारी आप लोगों को देते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर अंदर चलते हैं स्टूडियो के पास, जो कि आप लोगों को सारा चीज़ डिटेल में बताएंगे और आप लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पर अधिकतर यूट्यूबर यहाँ पर
वीडियो क्रिएटर हैं, यहाँ पर कॉमेडी वीडियो बनाते हैं, बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाते हैं जो कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में आपने सुना ही होगा। जो यहाँ पर ये तुलसी नाम का एक गांव है यहाँ रायपुर से 45 किलोमीटर दूर, जो कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर है जो यूट्यूब से अच्छा खासा यहाँ पर अर्निंग कर रहे हैं और कई जने के लाखों में सब्सक्राइबर है और अच्छा खासा यहाँ पर रोज़गार के यहाँ पर अवसर उनको मिल रहा है। तो चलिए उनसे आप लोगों को बात कराते हैं, स्टूडियो वाले यहाँ पर भैया भी हैं, उनसे आप लोगों को डिटेल में बताएंगे कि आखिर ये स्टूडियो उन यूट्यूबर के लिए क्या उपयोगी है और इसमें यूट्यूबर के लिए स्टूडियो बनाया गया है, आखिर ये किस लिए यूट्यूबर के लिए स्टूडियो बनाया गया, ये सारा चीज़ आप लोगों को बताते हैं। यहाँ पर हम स्टार्टिंग में ही गेट के सामने ही हैं और आगे आपको चल के यहाँ पूरा जानकारी भैया से स्टूडियो वाले से लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को उन यूट्यूबरों से मिलाएंगे, कुछ बातें करते हैं कि यूट्यूबर के उनकी क्या राय है और यूट्यूबर्स यहाँ पर अर्निंग होता है कि नहीं होता है, ये सारा चीज़ हम आप लोगों को यूट्यूबर से ही आमने सामने से बात करवाएंगे। यहाँ पर आप लोगों को मिलाते हैं उन स्टूडियो वाले भैया से जो आप लोगों को सारा चीज़ डिटेल मिलते हैं। यहाँ पर नज़ारा कुछ ऐसा है जो स्टूडियो का आप देख सकते हैं, कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है जो यहाँ पर स्टूडियो है जो यहाँ यूट्यूबरों के लिए बनाया गया स्टूडियो है, जो ऐसा कुछ यहाँ पर यूट्यूबरों के लिए बहुत ही व्यवस्थित तरीक़ा से यूट्यूबरों के लिए यहाँ पर हेल्प होता है, जो कि यहाँ पर जो स्टूडियो का नाम है हमर फ्लिक स्टूडियो है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को डिटेल में दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिखाइए कैमरामैन भाई, यहाँ पर दिखाइए आप जो डिटेल में पूरा आप स्टूडियो की नज़ारा देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर आप लोगों को डिटेल में बताएंगे कि रायपुर से यहाँ पर कितना दूरी ये स्टूडियो पड़ता है और आप यदि आना चाहें तो वो भी आप लोगों को एड्रेस पूरा देने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर स्टूडियो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ग्राम पंचायत तुलसी नेवरा लिखा हुआ है जो आप देख सकते हैं, ये रायपुर से 45 किलोमीटर दूरी पर है और आप लोगों को यदि आप कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आना चाहे वीडियो एडिटिंग के लिए और कोई भी वॉइस ओवर के लिए सॉन्ग के लिए तो यहाँ पर आ जाता है, अच्छे से अच्छे यहाँ पर एडिटिंग किया जाता है, वीडियो एडिटिंग किया जाता है, वॉइस ओवर किया जाता है, अच्छा एडिटिंग के साथ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर आप लोगों को स्टूडियो के बारे में कुछ बताने वाले हैं, जो स्टूडियो के यहाँ पर कुछ ऐसा नज़ारा दिख रहा है जो स्टूडियो का है और जितने भी यहाँ पर जो यूट्यूबर हैं, जितने भी भाई यहाँ का यूट्यूबर जितने भी यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं, चाहे कॉमेडी हो चाहे कोई भी कैटेगरी में, कोई भी कैटेगरी में वीडियो बना रहा है, यहीं पर आप और अपना वीडियो एडिटिंग करते हैं और अपने मोबाइल से भी एडिटिंग करते हैं जो, लेकिन यहाँ पर कुछ यूट्यूबरों के लिए यहाँ जो सुविधा दिया गया है बहुत ही अच्छा दिया गया है और यहाँ से कुछ बातें यहाँ से कुछ सरपंच महोदय से भी करना था लेकिन फिलहाल अभी वो नहीं मिल पाए, जो कि उनके डिटेल में बताएंगे कि स्टूडियो के बारे में, उनके गाँव के बारे में, जो यहाँ उन यूट्यूबरों के बारे में, जो भविष्य के बारे में उनके सोच समझ के यहाँ पर यूट्यूबरों के लिए यहाँ पर स्टूडियो बनाया गया है। यहाँ पर बहुत ही सहयोगी टाइप का काम किया गया है दोस्तों, जो कि यूट्यूबर के लिए बहुत ही हेल्पफुल यहाँ पर सहयोग किया जा रहा है, हर एक यहाँ पर गाँव वालों के लिए बहुत ही सहयोगी हुई काम कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर चलिए भाई यहाँ पर यूट्यूबरों से पहले सबसे पहले यहाँ पर मिलाते हैं और यहाँ पर जो स्टूडियो वाले भैया उनसे बात करते हैं, बातचीत करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि आखिर यहाँ यूट्यूबरों के लिए कितनी हेल्प होता है और जो बाहरी व्यक्ति आता है कोई भी वीडियो एडिटिंग करने के लिए उनके लिए खास यहाँ पर जो क्या खासियत है और इसमें बाहरी यूट्यूबर आके यहाँ पर वीडियो एडिटिंग कर सकता है या नहीं कर सकते हैं। तो चलिए उनसे स्टूडियो की नज़ारा आप लोगों को दिखाते हैं और वो कैसा है ये सारा चीज़ आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हम आ चुके हैं स्टूडियो के पास, जो कि आपको सारा नज़ारा आप लोगों को दिखाने वाले हैं, जो कि यहाँ पर जो स्टूडियो बना है आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप दिखाइए इनको स्टूडियो को जो कैसा बना है, जो हर एक यूट्यूबर यहाँ पर आते हैं, यहाँ गांव के स्टूडियो है और गांव के जो सरपंच है और बहुत सारे यहाँ पर यूट्यूबर हैं जो कि सरपंच महोदय जी इतना हेल्प किए हैं और इनके वजह से ये स्टूडियो यहाँ पर तैयार हुआ है। हर एक यूट्यूबर के लिए यहाँ पर बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि यहाँ पर अपना वीडियो एडिटिंग करते हैं और बाहरी से यूट्यूबर आते हैं, ये कैसा है यहाँ पर स्टूडियो में जो वीडियो एडिटिंग करके आते हैं, ये सारा चीज़ आप लोगों को भैया से बात करके ही आप लोगों को बताते हैं कि आखिर यहाँ पर बाहरी स्टूडियो आता है तो इसमें कैसे चार्ज दिया जाता है या कोई कॉमेडी वीडियो हो चाहे कोई भी कैटेगरी में वीडियो बनाता हो। तो चलिए यहाँ पर भैया से आप लोगों को बात कराते हैं, जो स्टूडियो वाले भैया हैं यहाँ पर उनसे आप लोगों को सारा चीज़ में डिटेल में आप लोगों को बताने वाले हैं। तो भैया नमस्कार, आप लोगों के लिए अपने स्टूडियो में आप लोगों के आए हैं और आप कुछ आप बताएंगे हमारे जो दर्शक हैं उनके बारे में, जो यहाँ पर खास स्टूडियो के बारे में किस लिए बनाया गया है और यहाँ जितने भी यूट्यूबर हैं इनके लिए यहाँ पर क्या योगदान है, यहाँ पर आप कुछ बताएंगे यूट्यूबर के बारे में आप? तो जैसा हमारा गांव जो है वो यूट्यूबर विलेज है जी जी, तो इसी को देखते हुए CSR फंड के तहत ये हमें स्टूडियो मिला है जी 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 जी।
तो यहाँ पर मतलब अभी ट्रेंड में चल रहा है कि यहाँ पर यूट्यूबर का गांव है। हाँ, और हमारे छत्तीसगढ़ में, मैं भी छत्तीसगढ़ से हूँ, हमको यहाँ पर गर्व की बात है कि हम यहाँ यूट्यूबर का गांव कहने वाला एक मात्र छत्तीसगढ़ ही गांव है, जो कि आपने देखा होगा अगले वीडियो में, जो कि यहाँ पर बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है। यहाँ पर हजारों में यूट्यूबर हैं जो भैया आपके बारे में डिटेल में आपको बताएंगे। तो यूट्यूबर के बारे में आप क्या कुछ बताना चाहेंगे कि यूट्यूबर यहाँ पर कितने लोग हैं, कितने इंटरेस्टेड है, और इसमें उनके फ्यूचर कुछ दिख रहा है कि आपको? तो यहाँ पे ना 40 यूट्यूबर हैं जी, इनका चैनल है जी, जिसमें 12 मोनेटाइज है। अच्छा, 12 मोनेटाइज है जी, और एक्टिंग तो चालू है। अर्निंग चालू है कुछ जी, का और कुछ का मोनेटाइज होना बाकी अभी। अच्छा, और एक्टिंग तो पूरा गांव ही करता है, ऐसा है, बहुत बड़ी बात है। तो जैसे लोग बोलते ना कि 1000 यूट्यूबर है, तो 1000 एक्टर्स है यहाँ पे। हाँ, तो एक मोटिवेट बात है ना भैया कि यहाँ पर जो यहाँ पर 40 मोटिवेट यूट्यूबर हैं वो हजारों के मुकाबले हैं भाई। यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ में यहाँ पर एक यूट्यूबर का गांव कहा जाता है, जो कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा यहाँ पर ट्रेंड में चल रहा है, जो हर एक यहाँ पर जो रोजगार है, यहाँ पर कुछ रोजगार की यहाँ पर व्यवस्था है, और जो अर्निंग कर रहे हैं, ये सारा चीज़ उन लोगों को यूट्यूबर को मालूम है कि यहाँ पर यूट्यूब से भी यहाँ पर हम अर्निंग कर सकते हैं। तो भैया यहाँ पर आप बताइए कि यूट्यूबर कितने लोग हैं जैसे अर्निंग कर रहे हैं अपने चैनल मोनेटाइज होने के बाद? बताया ना मैं, 12 से 13 लोग हैं। अच्छा, जो थोड़ा बहुत इनकम अभी आ रहा है, स्टार्टिंग है, मतलब अभी ग्रो हो रहा है चैनल का जी। तो ऐसे कुछ सब्सक्राइबर वाले जो बताइए, आप बता सकते हैं कि किसी का 10,000 हो, 20,000 हो, चाहे लाख भर हो, आप बता सकते हैं किसी का होगा या यहाँ पर? तो गांव में हमारे यहाँ बिंग छत्तीसगढ़िया है, जिमगा छत्तीसगढ़िया है, और CG04 करके है, गोल्ड करके। अच्छा अच्छा, एक ये हो गया, फिर 2-4 और हैं। अच्छा, 10-12 चैनल। हाँ, तो यहाँ पर आदित्य बघेल करके है। अच्छा अच्छा, और भी हैं, बहुत सारे चैनल हैं। हाँ, तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ होता होगा भैया कि यहाँ पर यूट्यूबर हैं बहुत सारे, तो एक दूसरे के यहाँ पर देख के मतलब यूट्यूब में आने का यहाँ पर प्रयास करते होंगे यहाँ के गांव के लोग, जो अगले आदमी को दे, जो 12 यूट्यूबर हैं उन लोगों को गाँव भी लोग देते होंगे, यहाँ पर अच्छा खासा अर्निंग हो रहा है, तो हम भी यूट्यूब में काम करें। यहाँ पर कोई कॉमेडी वाला होगा या अदर अदर कैटेगरी के वाले होंगे, तो हम उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप, जो अलग अलग कैटेगरी में कॉमेडी वीडियो बनाता है और कैसे कैसे टाइप के वीडियो बनाते हैं? CG04 गोल्ड है ना। अच्छा हाँ, वो भैया कौन सा कैटेगरी में काम करते हैं? म्यूजिक का है। अच्छा, म्यूजिक का है। हाँ, ऐसे और कौन कौन से है कैटेगरी आप बताना चाहेंगे? अधिकतर तो कॉमेडी ही। अच्छा, है, कॉमेडी है, जो हंसी मजाक वाला अधिकतर चलता है, जो हंसी मजाक करने वाला है, एंटरटेनमेंट करने वाला कैटेगरी यहाँ पर अक्सर बहुत सारा देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर एक दूसरे यहाँ पर ट्रेंड चल रहा है और अपने चैनल को मोनेटाइज करके अच्छा खासा अर्निंग स्टार्टिंग कर दिए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग भैया से बात करते हैं कि स्टूडियो जो बनाया गया है वो यूट्यूबरों के लिए बनाया गया है या ये गांव के यूट्यूबरों के लिए बनाया गया है? अच्छा जी, तो इसमें यूट्यूबरों के लिए जो बनाया गया है, तो यहाँ पर आप जितना भी यहाँ पर गांव में सरपंच महोदय रहते हैं उनकी तरफ से या हेल्प करके या कुछ बताना चाहोगे? सरपंच जी का हमेशा ही सहयोग रहता है, बहुत ज्यादा ही रहता है। हाँ, कोई भी काम ये उन्हीं। हाँ जी जी, तो जैसे ये भवन है, अच्छा, तो ये ग्राम पंचायत का भवन है जो सरपंच द्वारा बनाया गया है। हाँ, तो यूट्यूबर के बारे में जो स्टूडियो बनाया है ये यूट्यूबरों के लिए बनाया गया है, और यहाँ पर जो सरपंच महोदय है उनके मतलब बहुत ही अच्छा विशेष सहयोग है, जो कि यहाँ पर गांव वालों के लिए यूट्यूबर मतलब बना के यहाँ पर व्यवस्थित करके यूट्यूबरों के लिए दे गए हैं। तो यहाँ पर आप बताइए भैया कि यहाँ पर जो बाहरी यूट्यूबर है, यहाँ पर आप कितने यूट्यूबर आ चुके हैं जो बाहरी वीडियो एडिटिंग करके लिए आते हैं, वॉइस ओवर करने के लिए आते हैं, उनके बारे में? अभी तो फिलहाल 1-2 ही आए हैं। अच्छा जी, जैसे आते हैं ना तो पहले वो अध्यक्ष या सचिव जी से पहले बात करते हैं। अच्छा, उसके बाद आते हैं उनकी सलाह से। हाँ, यहाँ पर परमिशन जो गांव वालों के लिए यूट्यूबर के लिए, यहाँ गांव वालों के लिए एकदम वो है, फ्री है, सुविधा है, मतलब कुछ है चार्जेस? अच्छा हाँ, जो जैसे दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बताने वाला हूँ कि यहाँ पर जैसे कोई भी यूट्यूबर आ जाता है, बाहरी यूट्यूबर आ जाता है, तो मतलब यहाँ पर वीडियो एडिटिंग करने के लिए आ जाता है, वॉइस ओवर करने के लिए आता हूँ, यहाँ पर म्यूजिक के लिए कुछ व्यवस्था है जो गाना बनाना चाहते हैं? म्यूजिक लिए अभी से फिलहाल रिकॉर्डिंग है। अच्छा, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अपने वॉइस को बस। अच्छा, वॉइस रिकॉर्डिंग हो सकता है यहाँ पर? एडिटिंग भी होता होगा वॉइस ओवर का? हाँ, एडिटिंग हो जाता है, वो हमारे यहाँ एक CG04 करके है, अच्छा, उनका भी है, म्यूजिक वाला, और एक राजेश करके है, अच्छा, वो भी दोनों मिलके करते हैं जी जी। तो यहाँ पर भैया आप बताइए कि यहाँ पर जो यूट्यूबरों के लिए है जो बनाया गया स्टूडियो है, तो यहाँ पर अधिकतर यहाँ कॉमेडी वीडियो के लिए एडिटिंग किया जाता है और कुछ के लिए किया जाता है? कॉमेडी वीडियो के लिए अधिकतर यहाँ पर, क्योंकि पूरा गांव कॉमेडी करता है। हाँ, ये तो मैंने भी यहाँ पर यूट्यूब में देखा हूँ, बहुत सारे यूट्यूबर अभी ट्रेंडिंग चल रहा है गाँव के नाम से। और भैया यहाँ पर आप लोग ये बताइए कि यहाँ पर जो बाहरी यूट्यूबर आ सकते हैं, तो यहाँ पर किस किस की व्यवस्था की जाए, जो यहाँ पर कोई भी एडिटिंग करने आता है
या म्यूजिक के लिए सुविधा, उनके बारे में आप कुछ बताना चाहोगे जो बाहरी यूट्यूबर आपने आपके पास आए? बाहरी यूट्यूबर जेन भाई मन भी आना चाहत हुई ओकर मन के लिए एक ही चीज बोल सकता हूँ कि एक बार ना आए पहली ना अध्यक्ष या सचिव जी से या उपाध्यक्ष जी से पहले बात कर चर्चा कर रहा ओकर बाद आ क्या फिर कहना सबके सब रहा नहीं। अच्छा हाँ स्टूडियो में हाँ अच्छा। जैसे आज काम है तो मैं आ गया हूँ अब मैं काम नहीं रही नहीं आऊँ अच्छा। फिर स्टूडियो बंद रही थी हाँ तो एक बार ना इन्फॉर्म करके जरूर रहा अच्छा। बात कर रहा व्हाट्सएप या व्हाट्सएप में नहीं अगर व्हाट्सएप नंबर हो तो नंबर भी आप देना चाहो तो आप दे सकता हो हमारे ऑडियंस ला कि हमारे ऑडियंस में नंबर भी दे देबो आप ला कनेक्ट करके भी यहाँ पर आ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक में ना अगर मैसेज करना तो प्रॉपर सब कुछ जवाब मिलते। अच्छा ठीक है तो एक बार मैसेज करके ही आओ इन्फॉर्मेशन लेके ही आओ ताकि आप मन खाली हाथ रिटर्न ना जाओ है ना। तो संगवारी हो यहाँ पर आप मन देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत अच्छा बताइस भैया है और जो कि मैं हिंदी में बात कर रहा था आप छत्तीसगढ़ी में बात कर रहा था कहे कि मोर ऑडियंस जो कुछ भी है जो ऑडियंस मतलब हिंदी में भी समझ आए ऊपर से मैं हिंदी में बात कर रहा था आप मन नाराज मत हुआ कहे कि ये जो हमारे भाषा है ये तो हमारे छत्तीसगढ़ का हवा लेकिन हमारे बाहर भी जाना चाहिए लेकिन का है कई ऑडियंस ऐसे हवा जो छत्तीसगढ़ी मन के जन नहीं जाना ओकर वजह से मैं हिंदी में यह वीडियो बनाते रहे तो आप मन नजारा नाराज मत हुआ कि हमारे छत्तीसगढ़ के आदमी यहाँ पर हिंदी में भाषा तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा भाई ने जानकारी दी आप लोग देख सकते हो स्टूडियो आप नज़ारा दिखाइए भाई यहाँ पर स्टूडियो का और जो यहाँ यूट्यूबर के लिए प्रॉपर बनाया गया है और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सुविधा है और भाई ने आपको जैसे जानकारी दिया है आप इंस्टाग्राम या यहाँ पर व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा आप यहाँ सर मैसेज करके यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और यहाँ पर जो गांव का मुखिया कहने जाने वाला है सरपंच महोदय से आप बात करके यहाँ पर कोई भी बाहरी यूट्यूबर आता है तो अपना वीडियो क्रिएट कर सकता है। और एडिन के लिए चार्ज के लिए आप कुछ बताना चाहोगे भैया? ओकर बारे में नॉलेज अध्यक्ष मतलब ही है। अच्छा तो यहाँ पर जो भी नॉलेज है प्राइस के बारे में जो वो अध्यक्ष ही या गाँव का महोदय ही बता पाएगा तो भैया आप कुछ और जो हमारे छत्तीसगढ़िया है या बाहरी यूट्यूबर है वो मतलब आप मन का कहना चाहता हूँ कि यूट्यूब के बारे में कि यहाँ फ्यूचर दिखा थे आप कई जन यूट्यूबर ऐसे भी है भैया कि जो मतलब पढ़ाई के साथ साथ यूट्यूबर भी करना चाहते हैं कि यहाँ अच्छा खासा इनकम है रोजगार की व्यवस्था है तो मतलब आप मन का कहना चाहता हूँ? सबसे पहले तो अपन पढ़ाई पहली कंप्लीट करो ओकर साथ में यूट्यूब ला करो मतलब पार्ट टाइम हाँ सीधा सीधा बोले तो हाँ पहली एजुकेशन ला वो करो महत्व दो क्योंकि पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट है पढ़ाई हाँ। मतलब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो अर्निंग मतलब लर्निंग फिर अर्निंग मतलब यदि आप लर्निंग करोगे तो फिर अर्निंग कर सकते हो हाँ। क्योंकि लर्निंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों कोई भी क्षेत्र में जानोगे समझोगे नहीं तो फिर अर्निंग नहीं कर पाओगे। ये भाई साहब वही बोल रहे हैं कि आप पहले लर्निंग करिए उसके बाद अर्निंग करिए। यदि आप आना चाहते हो तो यूट्यूब में पार्ट टाइम टाइम निकाल के आ सकते हो ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई छोड़ के यूट्यूब में आ पाओ। उनके बारे में कुछ बताना चाहोगे स्टूडेंट के बारे में जो अभी गांव में आपके गांव में स्टूडेंट कई जने होंगे जो एक दूसरे से यहां पर देखकर यूट्यूब में काम करने का कॉमेडी वीडियो म्यूजिक बनाने के लिए यहां पर आते होंगे तो आपको कुछ लगता होगा कि ये यूट्यूब छोड़ मतलब पढ़ाई छोड़ के यूट्यूब में क्यों आ रहा है या पढ़ाई छोड़ के यूट्यूब छोड़ना चाहिए या क्या करना चाहिए आप कुछ बताना चाहोगे? आप हिंदी आप हिंदी में बता सकते हो छत्तीसगढ़ी में भी बता सकते हो तो कई जन का होते ना कई जन भाई मन देख के ये लगते है कि हम ये कर मतलब यूट्यूब में वीडियो बना बो करके तो एक जन भाई है वह छोटे भाई तो वह ज्ञानन भैया से पूछी से कि भैया मैं YouTube में आना चाहता हूँ अच्छा। और मैं पढ़ाई नहीं करना चाहूँ अच्छा मतलब एक दूसरे देख के हाँ। तो ज्ञानन भाई बोली से सबसे पहले अपन पढ़ाई कंप्लीट कर अच्छा पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दुनिया भर के नॉलेज है तो पढ़ाई से ही नॉलेज हाँ पढ़ाई से ये बहुत ही हर चीज जानते तो पढ़ाई से ही जानते सरपंच महोदय से भी बात करो अभी थोड़ा कुछ टाइम तक कहा कि सरपंच महोदय बहुत ही सहयोग है जो गाँव से भी मुखिया जी है और ये भाई साहब भला खुद बताते कि यहाँ पर बहुत ही सपोर्टेड है वहाँ पर तो मैं एक चीज ये कहना चाहता हूँ अगर इंटरेस्ट होई कोई चीज में हाँ, तब यूट्यूब में हाँ देखा सीखी मत देखा सीखी बिल्कुल मत आओ हाँ कि इंटरेस्ट हुई तभी आओ और देखा सीखी मतलब काम मत करा हाँ, भाई तुम्हारा नॉलेज ही नहीं है यूट्यूब में आके तो फिर का मतलब के है हाँ, नहीं तो पहले लर्निंग कराओ उसके बाद अर्निंग कराओ। और संगवारी हो और कुछ भाई से कुछ बात करबो स्टूडियो के बारे में यहाँ पर जो स्टूडियो बनाए गए हवा गांव के जो महोदय जी हवा यहाँ पर कुल कतिक लागत आई सोई जो हमारे यूट्यूबर पर इतना मेहनत करके बनाया हुआ उम्र कुछ बारे में बताना चाहता वैसे तो 20-25 लाख ही छपते हैं इतना बड़े यूट्यूबर मतलब स्टूडियो बनाए गए जो यहाँ पर हमारे छत्तीसगढ़ में कोई जगह बने नहीं यूट्यूबर पर स्टूडियो है नहीं कह मतलब यही है। तो यहाँ पर संगवारी हो देख सकते हो यहाँ पर 20 से 25 लाख तक यहाँ पर जो स्टूडियो बनाए गए बजट के हिसाब से बनाए गए हर यूट्यूबर के लिए जो सरपंच महोदय के इतना महत्वपूर्ण योगदान के बाद जो यूट्यूबर यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर काम कर पाते है नहीं। तो संगवारी हो आप मान लो एक और बात बताना चाहता हूँ भैया से पूछना चाहता हूँ कि जो स्टूडियो जो हमारे गांव में जो छत्तीसगढ़ के हवा
वो स्टूडियो में यदि आप काम करने ला सकते हैं तो उखर पर कुछ डिस्काउंट है कि नहीं है जो छत्तीसगढ़ के यूट्यूबर आ सकते, बाहरी यूट्यूबर नहीं डिस्काउंट ले रखे। मैं कहता हूँ कि जो भी है ना ओकर बारे में अध्यक्ष और सचिव जी ला ज्यादा जानकारी है, छत्तीसगढ़ के हुआ चाहे बाहर के हुआ कोई भी हुआ है ना। हाँ तो ओकर बारे में महोदय जी से बस बता पाई। तो संगवारी हो आप मन देख सकते हो कि बहुत ही अच्छा भैया है बताई जो हमला नॉलेज हुई इस स्टूडियो के बारे में, बहुत ही ट्रेंड में चला थे। और ये तुलसी गांव यहां से कितना किलोमीटर में हुई भैया आप मन बता सकते हो? रायपुर से 45 से 50 किलोमीटर। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो यहां से रायपुर से 45 से 50 किलोमीटर अंतर में यहां पर रोड लाइन से ही किनारा में है ना गांव। यहां पर सुविधा है मतलब आने जाने के लिए सुविधा है, ट्रेन है और बस दोस्तों यहां पर कई यूट्यूबर ऐसे बताते हैं जो यहां पर एक ही सुविधा नहीं है, गाड़ी मोटर कुछ भी सुविधा नहीं है। यहां पर मैंने कुछ पिछले वीडियो मैंने रिया जी का दिया वीडियो देखा था, उसमें यहां पर इधर से वीडियो बनाया था पता नहीं मेरे को कन्फर्म, क्योंकि मैं भी गांव में पहली बार आ रहा हूं, तो बोल रहे थे कि यहां पर कुछ गाड़ी का सुविधा है ना कुछ का सुविधा है। और हम भैया जी आपको डायरेक्टली बात कर रहे हैं कि आप सुविधा के बारे में, भैया आप उनके बारे में क्या बताना चाहोगे? सुविधा नहीं है बोल रहे हैं, आपके पास गाड़ी का सुविधा नहीं है, कोई मोटरसाइकिल का सुविधा नहीं, ऐसा बोलते हैं बहुत सारे। ये तो पूरा स्टेशन है यहाँ पे, रेलवे स्टेशन है, आप देख सकते हैं यहाँ से आप खरोरा से रायपुर बस स्टेशन है और आने जाने के जहाँ भी सुविधा बस है, सुविधा है ही। तो भाई साहब किसी का बात में नहीं है, आप कभी भी आइए तो यहाँ पर देख पताए हैं क्या, यहाँ पर रेलवे स्टेशन भी है, बस स्टॉप भी है, यहाँ पर बस गुजरता है, तो आप कभी भी आइए तो यहाँ से नजदीक पड़ेगा। और कोई आपको बोल रहा है, कई यूट्यूबर बोलते हैं कि यहाँ पर जाने के लिए परेशानी होता है, सुविधा नहीं है, ये सारा चीज़ नहीं है भाई। हम खुद आप यहाँ पर स्टूडियो वाले भैया से बात करके आप लोगों को बता रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छा आपको जानकारी मिला होगा उनके बारे में। भैया यहाँ पर आप लोग कुछ बताना चाहोगे जो हमारे यूट्यूबर को, जितने भी यूट्यूबर हैं जो यूट्यूब में काम करना चाहते हैं उनके बारे में कुछ बताना चाहोगे आप, जो यूट्यूब में भी फिलहाल काम कर रहे हैं, नए क्रिएटिव मतलब ट्रेंडिंग में भी फिलहाल तो ये गाँव चल रहा है, जो नए क्रिएटर है जो नए स्टार्टिंग करना चाहते हैं उनके बारे में कुछ बताना चाहोगे? देखो अभी आप एक एग्जांपल में आप लोगों के थोड़ा सा दर्शकों में बताना चाहूँगा कि एग्जांपल में यहाँ पर अभी कई ऐसे यूट्यूबर हैं और कई ऐसे मतलब युवा हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं और उनको नौकरी की तलाश में दर दर भटकना पड़ रहा है, उनको 10,000 तक यहाँ पर सैलरी का नौकरी नहीं मिल पाता और लास्ट टाइम में घूमते रहता है उनका 30 से 35 साल यहाँ पर नौकरी के चक्कर में ही चला जाता है। और आज के डेट में जो यूट्यूबर है 10 से 15 साल का यूट्यूबर यहाँ से 20 से 25,000 यूट्यूब के माध्यम से कमा रहा है क्योंकि टैलेंट है उसके पास, स्किल है, उनके बारे में भैया से पूछते हैं कि उनके बारे में भैया क्या बताते हैं? जी भैया बताइए उनके बारे में, जो अभी के जो युवा हैं कई मतलब 35 साल से हो जाए 25 साल से हो गए पढ़ाई कंप्लीट करने के बावजूद भी जॉब नहीं मिल रहा है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे यूट्यूब के बारे में? देखिए स्टार्टिंग में तो यूट्यूब में पैसा है ही नहीं, क्योंकि जब तक आपको गेन नहीं मिलेगा सब्सक्राइबर बेस का सीधा सब्सक्राइबर है, लाइक्स हैं, आपका वॉच टाइम है, जब तक वो नहीं होगा तब तक आपको पैसा इनकम नहीं आएगा। तो एक ये है कि एक प्रॉपर रोजगार जरूर रखे जी। हाँ क्योंकि भैया क्या होता है ना कि लोगों को लगता है कि यूट्यूब में वीडियो बना रहे हैं पैसा नहीं आ रहा है। हाँ ये सबके साथ होता है। देखो भाई यहाँ पर जो भी नए क्रिएटर रहा है तो ये मत सोचिए कि हमें आज वीडियो बनाया और हम कल अर्निंग कर रहे हैं, आपको ये नहीं करना है कि आपको पार्ट टाइम भी काम करना है उनके साथ यूट्यूब में भी काम करना है, आपको डिमोटिवेट होकर नहीं छोड़ना यदि आप यूट्यूब में आ रहे हैं तो। और नेक्स्ट वाली बात यह है कि आप जैसे 20 से 25 साल हो चुके हैं, आपने पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं, आपको नौकरी की तलाश है, 10 से 15,000 के सैलरी की नौकरी भी आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप यहाँ पर ये नहीं है कि आप काम ही मतलब पढ़ाई छोड़कर आप यूट्यूब में आ जाओ, क्योंकि आपको नॉलेज चाहिए, आपको 6 से 5 महीने आप लोगों को सीखना पड़ेगा, यूट्यूब के बारे में समझना पड़ेगा, एल्गोरिथम के बारे में समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको यहाँ पर सब्सक्राइबर बेस धीरे धीरे मतलब बोले तो यहाँ पर दुकान के जैसे जैसे ग्राहक रहता है ऐसा ही टाइप यूट्यूब में अभी चलता है दोस्तों। तो आप यहाँ पर अपना अलग से सोर्स अलग से रखिए और यहाँ पर जो यूट्यूब का काम है वो धीरे धीरे पेशेंस बनाते रहोगे तो आपको मतलब छोटा से बड़ा होने में यहाँ पर आपको स्ट्रगल करोगे तभी हो पाएगा, है ना भैया? तो सिंपल ये सी बात भैया ने आपने बताया, आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा हम उनसे बातचीत करके। और हमारे छत्तीसगढ़ी यूट्यूबर वाला आप मतलब कुछ कहना चाहो, संदेश देना चाहो, आप कुछ बताना चाहो? का बोला वैसे तो हमारे छत्तीसगढ़िया यूट्यूबर भाई मन बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप देख अब यहाँ पर कॉमेडियन है जैसे कि भाई अमलेश नागेश है और यहाँ पर आनंद आसमानी कुछ कॉमेडियन के नाम बता दो, घनश्याम भाई है। अच्छा बहुत बड़े कॉमेडियन है यूट्यूबर हमारे मतलब छत्तीसगढ़ में जो कि बहुत ही फेमस है और अच्छा खासा यहाँ पर अर्निंग करा थे, स्रोत भी है हमारे यही तिल्दा से हमारे घनश्याम भाई है। अच्छा वो कॉमेडियन है भैया। यहाँ पर नरेंद्र सरकार के यहाँ पर घर कहाँ पर है मुझे कन्फर्म पता नहीं है और उसे मैं मेल नहीं कर पाता हूँ, भैया जो भी वीडियो देखा थोड़ी तो यहाँ पर मैं मैसेज कर रहे हूँ लेकिन भैया का रिप्लाई नहीं आया है, कहा कि मैं उधर गांव जाने वाला रहा
तो आप मन कोई पता हुई आइडिया हुई कुछ नहीं भैया ज्यादा ओकर बारे में नहीं है मतलब जो मतलब कॉमेडी आसपास के ओकर बारे में जो नॉलेज है तो हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे ऐसे कॉमेडी है कॉमेडी वीडियो बनाते हैं अच्छा खासा अर्निंग होते हैं जो एक स्रोत बन चुके हैं रोजगार की तरफ से यहाँ पर हो सकते काम है नहीं तो अपन कभी भी आओ यूट्यूब में आओ तो यहाँ पर पार्ट टाइम काम करो और फुल टाइम यूट्यूब ला बिल्कुल अभी फिलहाल नहीं देना है। और दूसरा बात यह है कि अपन पढ़ाई भी करत हो तो ये नहीं कि एक मतलब देखा देखी वाले कहानी बिल्कुल मत करो काहे कि यूट्यूब में भाई थोड़ा पेशेंस के बना के साथ काम करे पड़ते और धीरे धीरे जब पढ़ाई करत जाओ कुछ पता चला जाए यूट्यूब के बारे में एडिटिंग के बारे में थंबनेल के बारे में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टाइटल टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन ये सारा चीज़ आप बहुत ही मैटर करते तो आपन पढ़ाई नहीं करो तो अर्निंग एंड लर्निंग वाले कहानी है तो आप मन समझ चुके हो। तो भाई आप मन कुछ लास्ट टाइम है बस लास्ट आप मतलब पूछना चाहूँ जो हमारे छत्तीसगढ़ यूट्यूबर है जितना भी कॉमेडी है म्यूजिक बनाते हैं गाना वाले बहुत सारे ऐसे क्रिएटर है उन मतलब कुछ कहना चाहता हूँ यूट्यूबर के बारे में। यूट्यूबर सब भाई बहन तो अच्छा ही कर रहे थे मेहनत कर रहे थे हाँ बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे और मैं ये चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ी जो भाषा है ओला पूरा हमर भारत देश तक पहुंचाओ हाँ। जो कि जो भैया मैं सिंपल सी ये बात बता रहा हूँ कि जब ऐसे मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ तो जो हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा है वो देशों देश तक जा सके मैं इसलिए छत्तीसगढ़ी में थोड़ा मिक्स कंटेंट कर दिया हूँ क्योंकि यहाँ पर जो हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा है वो हर जगह पहुँच पाए इसलिए मैं यहाँ पर कुछ मिक्स किया। तो भैया यहाँ पर आप एक बताइए यहाँ पर जो हमारे जितने भी यूट्यूबर हैं उन लोगों के लिए कुछ कहना चाहोगे जो हमारे जो छत्तीसगढ़ में जितने भी यूट्यूबर हैं जो अभी काम कर रहे हैं ये जितना मतलब इच्छुक अभी ट्रेंड में आपने देखा होगा बहुत सारे यहाँ पर क्रिएटर आएंगे यूट्यूब आए होंगे आपने आके आपके रहते हुए कितने यूट्यूबर आ चुके हैं यहाँ पर आपका यहाँ स्टूडियो देखने गांव देखने यूट्यूबर से मिलने के लिए देखने बहुत लोग आ चुके हैं ऐसे कोई कोई बड़े क्रिएटर का नाम जानते हैं वो जिनको बताना चाहोगे आप उनके तक जाए वीडियो फिलहाल तो नहीं है क्योंकि अधिकतर हम लोग अगर इंटरव्यू दिए हैं ना अच्छा। वो सिर्फ न्यूज चैनल वालों को दिए न्यूज चैनल में मैंने आपका चैनल मतलब वीडियो देखा था बहुत सारे यहाँ पर कोई ऐसे क्रिएटर आए जो बाहरी झारखंड से जैसे अभी बीच में रिया जी रिया ब्लॉग देखा विजय रिया देखा होगा आपने मतलब एक चैनल है उनका ब्लॉग का वो भी यहाँ पर आए थे स्टूडियो हालांकि नहीं दिखाए थे लेकिन गाँव दिखाए थे वहाँ पर तो हो सकता है कल परसों की बात हाँ एक दो दिन के आस पास है वो आए हम लोग नहीं थे ना सब स्टूडियो में आप नहीं थे स्टूडियो ही बनता भी दो तीन अच्छा, दिन से मतलब ये कंटिन्यूअस कैसे मतलब कभी कभी बंद होता होगा ऑनलाइन तो मतलब हमेशा रहता नहीं, जैसे जिसको काम है उसके हिसाब से स्टूडियो खुला रहता है अब काम ही नहीं है जैसे मेरे मुझे आज काम है तो मैं आया हूँ नहीं सही बात नहीं है हाँ। तो वही तो अभी के माहौल में जो अभी चल रहा है जो नवरात्रि का सीजन चल रहा है तो उनके हिसाब से अभी तो ज्यादा उतना वो नहीं होगा नहीं आते नहीं होंगे क्रिएटर अभी नहीं कोई नहीं अभी सब अपने अपने काम में व्यस्त होंगे भाई बना लिए कॉमेडी अधिकतर हमारे यहाँ ना सबके सब वो करते हैं कि सबके प्राइवेट काम है प्राइवेट हाँ जब ककरो पास अगर जैसे स्क्रिप्ट आते अच्छा। तब ओकर ऊपर काम करते नहीं सबके सब अपन पहली काम ला प्राथमिकता देते अच्छा तेकर से मैं कहा था पहली काम ला प्राथमिकता दो यूट्यूब ऐसा साइड रखो हाँ, एकदम मतलब से अगर छोड़ के बैठा तो इनकम शुरू से नहीं आवे क्लोज हो जाए हाँ तो फिर आदमी का बोलते कि यूट्यूब से पैसा नहीं पैसा नहीं आता बिल्कुल सही बात है तो फिर भाई टाइम लगते हैं कोई भी चीज हाँ, पेशेंस बना काम करबे और टाइम देबे तभी कुछ हो पाते अब तो डायरेक्टली कोई भी काम ला छोड़ के तहे 10,000 के वेतन ला छोड़ के तहे यूट्यूब में आबे तो 10 पैसा भी नहीं कमा सकते खबर सिंपल से बात है अलग से स्रोत ला छोड़ के तो ये काम कर रहा था जो कि तुला नॉलेज नहीं है तो ओला पेशेंस देवा ओला समय देवा और जो पार्ट टाइम काम है ओला रेगुलर चलते रहो वहाँ काम करते रहो तभी यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर अर्निंग कर सकता हो। और जो सब्सक्राइबर वैसे भाई मैं आप लोग बता चुके हूँ कि जो एक दुकान की तरह है जो ग्राहक जिसे बनावे वैसे ही हुई हाँ सिंपल से बात है ना भैया। तो भैया यहीं पर हम अलविदा लेते हैं आप मन से और बहुत ही धन्यवाद जो आप मन इतना खास मतलब इंटरव्यू दिया जो को हम लोग उम्मीद नहीं रही से अब हम आप दर्शक मतलब मिलाते नहीं जो यूट्यूबर मन से गाँव जो व्यस्त है यूट्यूब मन जो भैया यहाँ पर एक ठीक बात हुआ जो यूट्यूबर मन आते हैं जो वीडियो क्रिएट करे लाते उमन अभी ज़्यादातर मैं वीडियो एडिटिंग पर आप मन देते हुई कि उमन अपन मोबाइल में खुद बनाते हुई अधिकतर कई जन का है फोन से एडिट कर लेते हैं जैसे अच्छा। कई जन लोग तो एडिट करने हैं तो आ जाते हैं नॉलेज है मतलब हाँ एडिटिंग करें नहीं तो फिर अधिकतर सबके सब फोन से ही कर लेते हैं अच्छा हाँ तो मतलब एडिटिंग करे पर मतलब ज्यादा आदमी आत हुई कि नहीं आत हुई जो नहीं जाना था आत हुई हाँ जे ज्यादा नॉलेज नहीं है ना तेन आ जाते नहीं तो फिर अधिकतर भाई मन तो फोन से ही एडिट कर लेते हैं सिस्टम है सबके साथ भैया देखो यहाँ पर सिस्टम भी है सब चीज हवा लेकिन इतना मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आपके पास सिस्टम भी है सब चीज़ है लेकिन आपके पास जैसे स्मार्टफोन आपने स्टार्ट किया है जो भी कॉमेडी वीडियो जैसे कोई भी कैटेगरी में हो तो आपको पहले कुछ सीखना चाहिए
क्योंकि अपने मोबाइल से जैसे थंबनेल बनाना है, टाइटल लिखना है, टैग लिखना है, डिस्क्रिप्शन लिखना है, ये कॉमेडी तो आपने वीडियो बना लिया, लेकिन उनको थोड़ा थोड़ा सीखना करना है, अपलोड करना है, एडिटिंग करना है, ये सारा चीज़ आप लोगों को मोबाइल से ही थोड़ा बहुत सीखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर स्टूडियो तो परमानेंटली बना हुआ है। ये हर गाँव में यहाँ पर सुविधा नहीं होता, इतना मैं बता देता, हर गाँव में स्टूडियो यहाँ पर सुविधा नहीं होता। जो एक ऐसा छत्तीसगढ़ में मात्र एक ऐसा गाँव है जो तुलसी है, यहाँ से रायपुर से 45 किलोमीटर दूर में है, जो यहाँ पर प्रॉपर यहाँ पर यूट्यूबर के लिए स्टूडियो बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो स्टूडियो बनाया गया, लेकिन आपके यहाँ तो स्टूडियो नहीं होगा, तो आपको क्या मोबाइल से ही क्रिएट करना पड़ेगा, हर चीज़ आप लोगों को सीखना पड़ेगा। तो आप ध्यान दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर दूसरे पर भरोसा ना कीजिए, अपने खुद पर भरोसा कीजिए और अपने मोबाइल से ज़्यादा से ज़्यादा आप सीखें, एडिटिंग, थंबनेल और टाइटल सब चीज़, सारा चीज़ आप लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि भैया यहाँ पर तो स्टूडियो बना है, तो यहाँ पर दे देगा भैया, यहाँ पर सुविधा है गाँव के लिए बनाया गया, जो गाँव का महोदय है उनके लिए यहाँ पर सुविधा के हिसाब से बनाया गया है, तो यहाँ पर एडिटिंग के लिए दे गए तो यहाँ पर एडिटिंग हो जाएगा, लेकिन आपके यहाँ ये सुविधा नहीं है, तो आपको मोबाइल से ही सीखना पड़ेगा। तो संगवारी हो, बस इतना ही आज वीडियो, आज के वीडियो में, और मिलबो नेक्स्ट वीडियो में, जो भैया मन से बात करके बहुत ही अच्छा लगी, और बहुत बहुत धन्यवाद भैया, क्योंकि आप मन बहुत ही हमला कीमती समय दे है, क्योंकि हर एक नए यूट्यूबर अपना कीमती समय ऐसे ही देते रहो, ताकि हर एक यूट्यूबर यहाँ पर आवाए, जो भी आते वो यहाँ पर ग्रो कर पाए। धन्यवाद भैया। तो धन्यवाद भाई। दोस्तों, आपने जैसा कि देखा यहाँ पर तुलसी गांव है, जो आप लोगों को बताए हमने, आपको यहाँ पर जो यूट्यूबर हैं उनके बारे में आप लोगों को बताया, यूट्यूबर तो यहाँ पर आप लोगों को नहीं मिला पाए, क्योंकि यहाँ पर जो नवरात्रि का सीज़न चल रहा है, जो कि यहाँ पर सब व्यस्त हैं, इसलिए आप लोगों को यूट्यूबर से नहीं मिला पाए, क्रिएटर में आप लोगों से मिलाने वाला था, जो कि नहीं मिला पाया। और भाई आपको यूट्यूबर से जो स्टूडियो वाला भैया से आप लोगों को बात कराया, और पूरा सारा चीज़ आप लोगों को पता चल गया होगा, जो कि यहाँ पर आपको सारा चीज़ डिटेल में जो भैया ने आप लोगों को बताया है। तो भैया देख लीजिए, यहाँ पर जो यूट्यूबर का गाँव है, तुलसी का गाँव है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ऐसा कुछ नज़ारा है। उन लोगों को मैं बोलना चाहूँगा जो यहाँ पर तुलसी गाँव के वीडियो पर यहाँ पर वीडियो बना लेते हैं, यूट्यूबर का गाँव में यहाँ पर ये सुविधा नहीं है, वो सुविधा नहीं है करके बोलते हैं, तो भाई मैं खुद यहाँ पर छत्तीसगढ़ का ही गाँव से हूँ मैं, और यहीं पर जो तुलसी गाँव है, यहाँ रायपुर से 45 किलोमीटर दूरी पर है, जो कि बहुत ही अच्छा यहाँ पर सुविधा दिया गया है। आप कभी भी आओ तो यहाँ पर यूट्यूब में आप वीडियो बना सकते हो, और यहाँ पर सुविधा भी है, ट्रेन का सुविधा है, बस का सुविधा है, जो कि जो जितने भी बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर है जो बताते हैं कि ये सुविधा नहीं है, वो सुविधा नहीं है, तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। पूरा आपने वीडियो दिखाया, आपको सारा चीज़ आप लोगों को पता चल गया होगा। तो आई होप इस वीडियो में आप लोगों को सारा जानकारी मिल चुका होगा। और आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये ऐसा कुछ नज़ारा है आप यहाँ पर तुलसी गांव का, जो बहुत ही सुविधा है। हम खुद बाइक लेके आए हैं यहाँ पर, हम बाइक से भी आए हैं, बहुत ही अच्छा सुविधा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और दोस्तों, बस इतना ही कहना चाहता हूँ, जब भी आप कभी भी आएँ यूट्यूब के वीडियो बनाने के लिए, इंटरव्यू के लिए, तो आप भाई साहब यहाँ पर जो स्टूडियो वाले हैं, स्टूडियो में आप जाते हो तो इंटरव्यू बिल्कुल ले ही ले। और दूसरा क्या है, आप बिना परमिशन का आप इंटरव्यू मत लेना, क्योंकि यहाँ पर हम लोग भी परेशान हो चुके होते हैं जो वीडियो बना के एडिटिंग करके, तो आप परमिशन लेके चले जाओगे तो कुछ किसी का नहीं बिगड़ेगा। भाई साहब, यहाँ पर आप तुलसी गांव का जो नज़ारा है आप थोड़ा दिखाना चाहोगे, जो गांव कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है, देखा पूरा गाँव, इधर देखा, इधर घुमा पूरा राउंड मार। दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।